नमस्कार, मैं गीता, आप देख रहे हैं खोज खबर। आज हमें नई दिल्ली के जंतर मंतर पर, नई दिल्ली के जंतर मंतर पर सीनियर सिटीजन्स हैं और साधु की भेष में यहाँ पर घूम रहे थे ये, तो हमने इनकी प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश करी, तो इन्होंने काफ़ी कुछ बताया। ये आए हैं महाराष्ट्र से, आए हैं महाराष्ट्र से आए हैं, और इनका और गाँव इनका टेम्बुर्नी है। इनके साथ जो मामला हुआ है, कुछ प्रशासन द्वारा भी हुआ है कुछ चीज़ें, कहीं तो जमीन को लेकर के विवाद है, तो हम पूरा मामला इनसे जानने की पूरी कोशिश करते हैं। भास्कर जी, क्या कुछ ऐसा रहा कि आपको नई दिल्ली की सड़कों पर आकर के भटकना पड़ रहा है और आप ये लेटर लेकर के घूम रहे हैं, कानून मंत्री को सौंपना चाह रहे हैं? तो मेरा गाँव है टेम्बुर्नी, तहसील है महाराष्ट्र, जिला है सोलापुर। मेरे टेम्बुन स्थित गट नंबर 863 बटाइए कि यह जमीन मेरी माँ ने कुटुंब के हित के लिए खरीदी की हुई थी। उसमें हम 5 भाइयों हिस्सेदार हैं और मेरा 4 भाइयों से बनता नहीं है। इसी कारण से मैं अपने हिस्से की बात लिख रहा हूँ। समस्या यह है कि गट नंबर 863 बटाइए कि यह जमीन गैर कानूनी तौर पर उप जिला अधिकारी भू संपादन क्रमांक 1 ने बिना कुछ दिए, बिना हमारी सम्मति से, बिना कब्जा किए ही इस्तेमाल किया है और अधिकारियों की सांठगांठ से अतिक्रमण हुआ है। और तो और, सन 2021 में हमारे नाम काट करके अपना नाम लगा लिया है। बिना जमीन मालिक का समाधान किए ही अपना नाम कैसे कोई लगा सकता है? मैं तो इसे गैर कानूनी मानता हूँ। इस विषय में प्रांत कार्यालय में मेरा केस चल रहा है, अधिकारी पास में चल रहा है 4/1/2024 से, परंतु तारीख पे तारीख मिलती है, फैसला करने वाला न्यायालय में न्याय करने वाला उपस्थित रहता ही नहीं है। इसी कारण अभी भी 25 तारीख दिया है, अभी ये 25/7 भी है। अब तारीख को लेकर मैं वापस अगली तारीख की तैयारी में जुट जाऊँ। मैं कभी यूपी से आऊँ, कभी गुजरात से जाऊँ, तो हर तारीख को हाजिर रहूँ और कुछ होता तो है ही नहीं है। खर्चा कौन देगा? अब किसी भी कोर्ट पर, व्यवस्था पर मेरी कोई विश्वास रहा नहीं, इसलिए मैं केंद्र सरकार के पास आया हूँ। 1965 से लेकर अब तक केस ही केस तो लड़ते आए हैं, तो क्या करेंगे उसको? अगर मेरा कहना सही है तो संबंधित अधिकारियों को निलंबित करके मेरी क्षति की पूर्ति वही अधिकारियों से की जाए। और मैं भूमिहीन हूँ, मेरा कोई घर है ना कुछ है, साधु जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तो यह बात ध्यान में रख कर के शासन को अगर मेरी हिस्से की जमीन की अगर जरूरत है तो मुझे जीने के लिए हाईवे लगा 6 घंटा यानी कि 600 चौरस मीटर, बाकी जमीन का आज तक की नुकसान भरपाई के साथ आज की रेट के हिसाब से मुआवजा तात्कालिक मिले। मैं कानून जानता नहीं हूँ, मगर आप तो जानते हैं, इसलिए मैं आपकी जानकारी के लिए 7/12 की नकल जोड़ रहा हूँ। कैसे शासकीय कर्मचारियों की मनमानी करके बिना कीमत दिए ही नाम कैसे लगा सकते हैं, ये उसका प्रूफ है। मैं आपका जवाब का इंतज़ार करूँगा। जब तक आप जवाब नहीं देते या नहीं मिले, मतलब में कोई लिखित देते नहीं है, तब तक मैं जंतर मंतर से प्रस्थान नहीं करूंगा। मतलब अनिश्चितकालीन आप यहाँ पे जब तक कि कोई मेरा फैसला ही नहीं होगा, निराकरण नहीं होगा, समाधान नहीं होगा, मैं जाऊंगा कहाँ? मेरा हर जगह तो क्या, जहाँ रात होती वही मेरा घर है, जहाँ वही सोता हूँ, रोड पे सोता हूँ, ना कोई खाना है। आपके हिस्से की कितनी जमीन होगी? मेरे हिस्से की आएगी 1 एकड़ आ जाएगी। 5 भाई है तो 5 एकड़ है, 5 एकड़ में थोड़ा 3 घंटा कम है। तब ये आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, वो कानून मंत्री जी से कर रहे हैं? हाँ, कानून मंत्री, क्योंकि वो कानून मंत्री हैं, तो कानून तो वो जानते हैं ना। या तो मुझे कानून ये गलत है करके मेरे को शीत कर दे, या कहाँ वो बिना कानून बिना कुछ लिए दिए शासन ही बोल करके हमारी जमीन हड़प लेगा, गुंडागर्दी करेगा, तो हम क्या करेंगे? शासन अगर ऐसा कह दिया करेगा तो हम क्या करेंगे? आपका परिवार वगैरह है? अरे मेरा परिवार है, मगर ये इसकी लंबी कहानी कौन बता दे बेटे, शासन के चलते परिवार भी बिखर गया, क्या करेगा? कुछ नहीं होगा। हाँ, सब कुछ कोई मतलब नहीं रहा, उससे क्या करेंगे? अब शासन ही तो इस प्रकार से रहेगा, तो शासन अब 1965 से लेकर के अगर हमारी जमीन लेकर के अगर जन कल्याण के लिए जमीन ले लेता है,
तो तुम तो एक कुटुंब का एक परिवार का ही कल्याण नहीं कर सकते हो, तो ये शासन किस काम का? एक विधवा औरत है जिसका पति नहीं है, इसका एक डजन बच्चे पालना है, उसकी जमीन तुम हत्या लिए है और बिना कुछ किए पैदल भूखे मारे। 2 दिन पहले से कोरट जाती थी मेरी माँ, और तब से केस लड़ते लड़ते 2007 में हमारे पक्ष में फैसला हुआ था, फिर उसके बाद में स्टे ऑर्डर लगा। किस चीज में फैसला हुआ था? ये जमीन हमारी हो गई थी अब दोबारा से 2007 में, दोबारा से इसमें विवाद हो गया। हाई कोर्ट ने फैसला दिया था 2007 में कि हमारे पक्ष में जमीन कर दिया था। अब उसमें जल्दबाजी, मतलब इन लोगों ने बिना वो कुछ जल्दबाजी, अभी इतने साल हो गए इंतजार करने के बाद में, तो कोई भी कुछ तो करने जाएगा ही, जमीन कोई पड़ा रहने देगा? तो गोडाउन टूटा फूटा पड़ा था, उसको कुछ करने गए होंगे भाई लोग, तो इसलिए इन लोग टेडर लगाए। टेडर लगाने के बाद में फिर क्या हुआ मुझे जानता नहीं, क्योंकि उनसे मेरा बनता ही नहीं, उन लोग जो केस चला रहे वो अपना। तो मतलब कानून मंत्री से आप ये कहना चाह रहे कि इस पे जो है इसकी जांच हो, हाँ, इसकी और इस पे जो भी एक्शन होता है, हाँ, वो बने और तात्कालिक, मगर ये हो जल्दी से जल्द, जल्द से जल्द हो, या तो मैं प्रधानमंत्री जी को भी दोगे आप? प्रधानमंत्री को मैं दो दे के आऊँ, एक तो पहले मैं खुद स्वयं जा करके दिल्ली प्रांत कार्यालय में खुद देख आया हूँ। इसमें विलंब कर रहा है, जो भी इसमें गड़बड़ी कर रहा है, उनको राजनीति उनको उनको जो है सजा मिले, हाँ, सजा मिले, ये चाहता हूँ। धन्यवाद। ये बताइए आप जो है अपनी जो समस्या है, आपने अपील जो है गुहारे जो है कहाँ कहाँ तक लगा चुके हो? मैंने अपने गाँव में, मतलब जो जिला है सोलापुर में, तो सोलापुर में भी उपोषण पे बैठा था, 15 दिन रहा वहाँ पे। वहाँ के कलेक्टर ने एक लेटर दिया था कि इनका तात्कालिक भुगतान किया जाए, मगर कोई भुगतान के लिए तो कुछ भी बोला नहीं वहाँ, तो खाली यही खाली टल्ला टल्ली उत्तर दिए गए, और उसमें यही बताया गया कि 10-12 हजार रुपया तुमको मिलेंगे वो पूरी जमीन के, यानी 5 एकड़ जमीन जो अभी लिए है शासन, 1 हेक्टेयर 92 आर, उस जमीन का मतलब मुआवजा बोले कि 10-12 हजार रुपया हो रहा है। 10-12 हजार रुपये, तो मतलब मैं क्या अभी 1965-67 तक हमारा खर्चा कितना हुआ, सब परिवार बिगड़ गया ना, हमारी पढ़ाई हुई ना लिखाई हुई, क्या करेंगे उसको लेकर के 10-12 हजार लेने के लिए? फिर भी वो अपील करो, इतना धरने वगैरह देने के बावजूद भी आपको अभी तक कोई सुनवाई नहीं, कोई सही उत्तर नहीं है कहीं से भी। जंतर मंतर पे कब से भटक रहे हैं? जंतर मंतर पे मैं 22 को एक धरना दिया हूँ, 22 को देने के बाद में 24 को अभी मतलब कल की तारीख में मैं यहाँ दिया हूँ, क्या बोलते हैं को अधिकारी है महाराष्ट्र शासन कमिश्नर कोई होता है, उनको एक लेटर दिया हूँ। अब वहाँ से लेकर के अभी आज मैं ये कल ये शायद मैं ये कानून मंत्रालय को मंत्री को मतलब मैं दे दूंगा ये लेटर, कल दूंगा, हाँ कल दूंगा ये लेटर दूंगा, और तुरंत मेरे को वो जवाब देंगे, तब तक मैं यहाँ बैठा रहूँगा, उनका जवाब लेकर के ही मैं जाऊँगा, जो भी कुछ होगा फैसला करके देवे। यस या नो, दो मिनट के बाद, कानून सब तुम जानते हो, हम कुछ नहीं जानते, तो हम तो बताओ ना, सही बात, क्या गलत है क्या नहीं है सही है करके कुछ तो बताओ ना, तो बताएंगे तब तो हम रिजल्ट चीजें बताओ, या तो हमको क्यों मोहरा बनाएगा, हमारी पूरी फैमिली को मोहरा क्यों बनाएगा वो शासन ने? आज तो 1965 साल से हम शासन की तो साले गुलामी कर रहे, कमा कमा के पेट भर रहे, क्या दे रहे हैं आप, तो क्या दे रहे हैं शासन के? केस लड़ने के लिए आसान है, दिल्ली हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक केस आए तो कैसे आए होंगे, कितना पैसा भी लगा होगा, वही तो बोल रहे कैसा होगा, भूखे रहे, माँ तो पैदल चली जाती थी ना, जब पति नहीं है ना, एक डजन बच्चे है आपके, अरे मेरी माँ की बात बता रहा हूँ मैं, जब माँ तो गई है, दो भाई भी चले गए, अब हम भी जा रहे, शासन क्या राह देख रही है, सब परिवार मर जाए, डायरेक्ट गोली क्यों नहीं मारता? तो आप करते क्या हो वैसे? अब साधु बनने मजबूर हूँ, क्या करूंगा अभी, कुछ धंधे पाने के लिए कुछ जगह है क्या कहीं?